हम कैप्सिकम और टमाटो की स्टफिंग के लिए पहले आपको कोकोनट लेना है। मैंने एक कोकोनट लिया है, उसको आपको ऐसे स्मॉल पीसेस बनाने हैं ग्राइंड करने के लिए। फिर उसमें आपको लेना है स्मॉल बाउल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 12 से 15 पीसेस गार्लिक के, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 6 ग्रीन मिर्ची। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप ग्रीन मिर्ची ज़्यादा भी ले सकते हो। हम इसको अभी पहले ग्राइंड करेंगे। करेंगे उसको, कोकोनट डालेंगे, फिर कोरिएंडर लीव्स, पानी का वो। फिर उसमें वो पेस्ट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हो, ज्यादा भी नहीं। ज्यादा भी नहीं डालना है। आपको ऐसे कंसिस्टेंट पेस्ट में बनाना है। आप देख सकते हो कैसे बनाया है। अभी आपको मिक्सर ग्राइंडर पेस्ट को कुक करना है, उसमें आपको ऑयल डालना है। उसके बाद 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1 चम्मच रेड मिर्ची पाउडर और सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार, उसको आपको मिक्स करना है। फिर उसके बाद आपको उसमें मिक्सर ग्राइंडर पेस्ट डालनी है। उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। उसको मिक्स करने के बाद उसका पानी ड्राई होने तक आपको कुक करना है। वो कुक होते होते अभी हम टमाटोज और कैप्सिकम को कट करेंगे स्टफिंग के लिए। अभी अपना स्टफिंग कुक हो गया है, वो अच्छे से ड्राई हो गया है, आप देख सकते हो। स्टफिंग कूल होने के बाद अभी हम टमाटर और कैप्सिकम को फिल करेंगे। कंटेनर में डालने के बाद आपको वो जो एक्स्ट्रा स्टफिंग बचा हुआ है आपको साइड में डालना है उसको कंटेनर में। उसके बाद वो जो मिक्सर ग्राइंडर पेस्ट हम लोग ने जो कंटेनर में ग्राइंड किया था उसमें आपको थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिक्स करके आपको उसके ऊपर डालना है।
और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना है। अभी हमारे स्टफ्ड कैप्सिकम और टमाटोज रेडी है कुक करने के लिए। अभी हम उसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। वो कंटेनर को क्लोज करके कुक करना है। फिफ्टीन मिनट्स के बाद ओपन करके आपको इसको टर्न करना है ताकि वो साइड से भी कुक हो सके। फाइव मिनट्स के बाद मैंने ओपन किया है। आपको दोनों साइड में टर्न करके आपको फाइव फाइव मिनट्स तक कुक करना है। आपके स्टफ टमाटोज और कैप्सिकम रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हो टमाटो अच्छे से कुक हो गया है, उसका मसाला भी अच्छे से उसमें ब्लेंड हो गया है।